वी अराइव्ड इन लॉटरब्रुनन और आते से ही हमें पीछे उधर दिख गया है फेमस वाटरफॉल जो हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम लॉटरब्रुनन बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम जाएंगे मुरैन। ट्रेन का एक स्टॉप है विंटर एग जो 1578 मीटर पर है। ट्रेन आगे मुरैन तक जाएगी बट यहाँ पे भी रुकती है, और चाहो तो यहाँ डायरेक्ट ट्रेन से उतर सकते हो या फिर मुरैन से यहाँ का हाइक कर सकते हो जो कि होगा अराउंड 6 किलोमीटर का। बहुत ही प्रिटी टाउन है। यह है पास स्टेशन जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, और वो है विंटर एग का ट्रैक जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं ट्रैक करके। मुरैन एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हाइक करके विंटर एग। आइडियली एक पैनोरमिक हाइक होना चाहिए और वो अभी जाएंगे तो पता चलेगा कि हाइक ही नहीं। और जैसे कि पहले बताया था ये अराउंड 6 किलोमीटर की हाइक है, लेकिन 6 किलोमीटर टू एंड फ्रो है। तो अगर आप वन साइड कर रहे हो, जैसे हम लोग मुरैन तक बाय ट्रेन आए थे और अब यहाँ से नीचे वापस विंटर एग जा रहे हैं, तो ये वन वे अराउंड 2.8 किलोमीटर्स है अभी एटलीस्ट जो मैप पे दिखा रहा है उस हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर की होगी। तो आप चाहो तो टू एंड फ्रो करो या फिर हमारे जैसे वन वे कर सकते हो और जस्ट 3 किलोमीटर की ईजी हाइक कर सकते हो। अभी पूरा रेलवे ट्रैक के बाजू से ही जा रहा है रास्ता। और पीछे आ गई है हमारी ट्रेन जिससे हम चाहे तो जा सकते थे, और ये विंटर एग भी रुकती है तो वहाँ पे आप सीधे उतर सकते हो बिना कोई हाइक करे। यहाँ पे आप देखोगे बोर्ड पढ़ने का इजी तरीका है कि जैसे विंटर एग जो हम लोग जा रहे हैं ये अराउंड यहाँ से 35 मिनट्स है, तो जो फर्स्ट 3 है वो ईजी हाइक्स हैं, और जो लॉटरब्रुनन है उसके आगे वाइट और रेड स्ट्राइप्स बनी हुई है, उसका मतलब वो थोड़ी चैलेंजिंग हाइक होगी, थोड़ी स्टीप होगी, के लिए आपको प्रॉपर हाइकिंग शूज़ पहनने चाहिए तो बेस्ट रहेगा। अगर आप नॉर्मल शूज़ में करोगे तो डिफ़िकल्टी हो सकती है। जिसमें स्ट्राइप्स नहीं बनी है वो कंपेरेटिवली ईजी हाइक है, रिकमेंडेड है कि उसमें भी हाइकिंग शूज़ पहनो, पर नहीं पहनोगे तो भी आई थिंक इट शुड बी फाइन। ईजी ट्रैक है क्योंकि एटलीस्ट विंटर एग तक के लिए तो ईजी होना चाहिए। जब मुरैन से निकले थे तो रास्ता थोड़ा प्रॉपर था, प्रॉपर इतने से बना हुआ रास्ता था। अब यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी वाला कंकड़ वाला रास्ता है, बट ठीक है, अच्छी ट्रेल है, फ्लैट ट्रेल है, कोई स्टीप ट्रेल नहीं है। और एक्चुअली इस कंकड़ मिट्टी के कारण फील आ रहा है कि हाँ थोड़ा हाइक कर रहे हैं, अदरवाइज तो फ्लैट ट्रेल है तो ऐसा लग रहा है नॉर्मली कि वॉक कर रहे हैं। बीच में आप थक जाओ तो ऐसे बेंचेस बनी है जहाँ आराम से बैठ के सामने व्यूज दिख रहे हैं माउंटेन के, और आप यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लो, पानी वनी पी लो और फिर आगे चलो। नीचे जाना तो ईजी है, काफ़ी लोग ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बाजू से जा रहा है रास्ता, तो आई एम अज्यूमिंग कि वही सेम व्यू मिलेगा जो हमें ट्रेन से दिखा है। और वेदर भी अब इम्प्रूव हो रहा है, क्लाउडी से अब हल्की हल्की धूप हो गई है, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल सो फार। धीरे धीरे डिसेंड कर रहे हैं, माउंटेन्स का व्यू कम होते जा रहा है, स्नो केप माउंटेन्स का, और ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इवन बैकड्रॉप में ग्रीन माउंटेन्स आते जा रहे हैं। ट्रेल काफ़ी इजी है, स्टीप बिल्कुल नहीं है, होगी भी तो बहुत नाम की, बहुत इजीली कर सकते हो, इवन बच्चों के साथ बहुत ईजिली कर सकते हो। इवन ऊपर भी जाना है अगर आपको मुरैन तक तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जाने के लिए भी ऐसा कोई स्टीप अभी तक तो फील नहीं हुआ है। बहुत सुंदर और एकदम फुल ऑफ ग्रीनरी है यहाँ पे। एटलीस्ट आई वुड से कि एक साइड आप ट्रेन का मज़ा ले लो ऊपर जाते टाइम,
तो आप व्यूज़ देखते जाना ट्रेन से, और फिर रिटर्न में वॉक करके इसलिए आ सकते हो। ऑलमोस्ट हाफ ट्रेल हो चुकी है हमारी। आई थिंक वो विंटर एग का स्पॉट होगा जो यहाँ से हट दिख रहा है। तो थोड़ा ही बचा है, 15 मिनट का और रास्ता, और अब हम थोड़ा डीप जंगल में जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है और पूरी ग्रीनरी से कवर्ड है। और बीच में मिला है हमें एक ये बेंच जहाँ से सामने का ग्रीन माउंटेन व्यू प्लस विंटर एग का व्यू आ रहा है। इट्स अ गुड स्पॉट टू सिट एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम। आराम से यार टाइम निकाल कर आओ ताकि व्यूज़ एंजॉय कर सको मोरैन में, प्लस ये हाइक कर सको, और इसको भी आराम से टाइम स्पेंड करते हुए करो। इवन तो 3 किलोमीटर है, करने को फटाफट कर सकते हो, बट आई वुड से धीरे धीरे व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जाओ। बहुत ही सुंदर ट्रेल है ये, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी। जितना हम लोग विंटर एग के पास जा रहे हैं उतनी ग्रीनरी बढ़ती जा रही है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड। से वाटर स्ट्रीम जा रही है, थोड़ा सा ही पानी है लेकिन अच्छा लग रहा है। पूरा ग्रीन और बीच में रॉक्स है, उसमें से पानी जा रहा है और यहाँ से ऊपर से आ रही है। ट्रैक पहुँचने के जस्ट पहले ये बोर्ड आया है, यहाँ से और भी ट्रैक्स जा रहे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे। लुक एट देम, दे फाउंड द परफेक्ट स्पॉट फॉर द व्यूज़। और स्विट्ज़रलैंड में हो तो हाइकिंग में आपको काउस मिल ही जाएगी, और उनकी बेल की आवाज़ें। काफ़ी सारी हाइक्स है जो आप मोरैन से कर सकते हो, विंटर एग साइड में भी और इवन मोरैन साइड पे भी। एंड व्यूज़ आर जस्ट अमेजिंग। ईजी करो चाहे डिफ़िकल्ट हाइक करो, जितना आपके पास टाइम हो एक दो तो कर ही लेना। काउस, ग्रैंड ब्यूटीफुल व्यूज, परफेक्ट स्विट्ज़रलैंड वाइब्स। At the Eiger Mountain, almost winter egg पहुँच गए हैं और views और better होते जा रहे हैं। Cows है हमें company देने के लिए जो most of the hikes में आपको मिल जाएगी Switzerland में। और इस side है amazing amazing views, पीछे पूरा clearly Eiger Mountain दिख रहा है। अभी sunny भी हो गया है तो और ज़्यादा clearly दिख रहा है, और it's looking so huge। और इस side है पूरा green mountain plus valley का view। फॉर श्योर आपको एक साइड ट्रेन और एक साइड हाइक करनी ही चाहिए। आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड इट, जस्ट ब्यूटीफुल। वी हैव ऑलमोस्ट रीच विंटर एग, यहाँ से हमें लेनी है ट्रेन जो हमें केबल कार स्टेशन तक ड्रॉप करेगी। एंड दीज आर द फाइनल व्यूज फ्रॉम हियर। हम आ गए वापस से विंटर एग स्टेशन, यहाँ से हम ट्रेन लेंगे केबल कार स्टेशन तक, वहाँ से लॉटरब्रुनन की केबल कार। और अभी एटलीस्ट एज ऑफ एंड ऑफ जून 2023 प्लेटफॉर्म 2 का जो रास्ता है डायरेक्ट आने का वो बंद है। तो आपको पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो रेस्टोरेंट से स्टेयर्स गई है, और फिर यहाँ से अंडरग्राउंड स्टेयर्स लेके आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ सकते हो। बाकी यहाँ से व्यूज़ देखो आप विंटर एग से, दे आर जस्ट अमेजिंग, even better than मोरैन। at least these mountain views are much better than मोरैन। बहुत ही पास से दिख रहा है, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। तो instead of मोरैन मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको लंच करना है तो आप यहाँ आके करो और व्यूज़ को एंजॉय करो। वी आर प्लानिंग कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और सिर्फ मोरैन में रुकेंगे, और इसी के आसपास इतने सारे हाइकिंग ट्रेल है। मैं कुछ आपको लिस्ट कर देती हूँ और किलोमीटर्स में कितने हैं टू एंड फ्रो वो भी बता देती हूँ। आप प्लान कर सकते हो, अगर आपको हाइकिंग में इंटरेस्ट है तो आप मोरैन में रुको और हाइक करो। विंटर एग के पास से भी काफ़ी सारे हाइक है, तो 2-3 दिन बस हाइक करो और उसके बाद 2-3 दिन सब रिलैक्स करो और व्यूज़ को एंजॉय करो। सो दैट विल बी आर प्लान फॉर नेक्स्ट टाइम। और हमारी ट्रेन आ गई है, सो लेट्स गो टू द केबल कार स्टेशन।